जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर सबसे पहले कैमरे के लेंस तक पहुंचती है। एक कैमरे के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए होते हैं जो किसी भी इमेज को जूम इन और जूम आउट करने का काम करते हैं। इस चीज को कहते हैं डिजिटल जूम। इन लेंसेज के बीच में लगा होता है ये अपर्चर। अपर्चर का मेन काम होता है कैमरे के अंदर एंटर करने वाली लाइट को कंट्रोल करना। इस अपर्चर को पार करने के बाद लाइट पहुंचती है मेन मिरर के पास जो 45 डिग्री के एंगल पर सेट रहता है। ध्यान से देखने पर आप पाओगे कि व्यू पॉइंटर उस चीज को दिखाता है जिस भी चीज की हम फोटो लेते हैं, लेकिन ये लेंस के सामने नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ होता है। मेन मिरर के ऊपर लगा होता है ये पेंटाप्रिज्म जहां से लाइट घूमकर व्यू पॉइंटर तक पहुंचती है, जहां से हम ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। 3D एनिमेशन से चीजों को समझना आसान है ना? ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।